अस्सलाम वालेकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको सीसीयू सेकेंडरी स्कूल कोडादू की तरफ से दिया जा रहा है। नाइन्थ क्लास रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, चौथे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, उसके सवाल आखिरी तीन सवाल रहते हैं, तीन वैसे लॉन्ग क्वेश्चन ये देख लें आप। अब क्वेश्चन नंबर सेवन इस क्यू दिया गया, आपने फर्स्ट पार्ट में क्यू प्लस वन ओवर क्यू फाइंड करना है, सेकंड में क्यू माइनस वन ओवर क्यू फाइंड करना है, थर्ड में क्यू स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू स्क्वायर और फोर्थ में क्यू स्क्वायर माइनस वन ओवर क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है। पहले क्यू दिया गया, अब आपने इसका टेकिंग इनवर्स माकूस लेना है, वन ओवर अंडर रूट फाइव प्लस टू। मैंने किया क्या है, दोनों साइडें उल्टा दिए हैं, इनवर्स लिया, इसे भी इसका ओवर नहीं था वन, इसका भी वन, दोनों साइडें उठा दी। अब वन ओवर क्यू को सिंप्लीफाई करो, अंडर रूट फाइव प्लस टू मल्टीप्लाई करने आपने कांजुगेट से, डिवाइड मल्टीप्लाइड करा दें, अंडर रूट फाइव माइनस टू ओवर अंडर रूट फाइव माइनस टू जी, वन ओवर क्यू इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस टू ओवर फाइव का लहदा स्केयर लिख दें, टू का लहदा लिख दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो रिलेशन अप्लाई कर दिया, एक बार प्लस एक बार माइनस जी। आगे वन ओवर क्यू इक्वल टू अंडर रूट फाइव माइनस टू ओवर फाइव माइनस टू का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस हो गए और इधर टू का स्क्वायर आ गया फोर। वन ओवर क्यू की वैल्यू क्या आ गई, फाइव माइनस टू ओवर फाइव में से फोर निकाल दे, वन आ गया, वन ओवर मैंने नहीं लिखा, सिर्फ यही रिजल्ट आ गया, फाइव माइनस टू, ये वन ओवर क्यू की वैल्यू। और क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, पहला पार्ट क्या है, प्लस करना है, लिखवाए क्यू प्लस वन ओवर क्यू जी, वैल्यू लिखवाए क्यू की वैल्यू कौन सी है, अंडर रूट फाइव प्लस टू, प्लस का साइन है दरमियान में, प्लस लिख दिया, वन ओवर क्यू प्लस का साइन है, डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दें, अगर माइनस होगा तो ब्रैकेट लगा दें, साइन चेंज होंगे जी, अंडर रूट फाइव माइनस टू प्लस टू क्रॉस, इसका कोएफिशिएंट वन, इसका भी वन, तो रिजल्ट क्या आ गया इनका, टू में टू अंडर रूट फाइव, ये रिजल्ट आ गया क्यू प्लस वन ओवर क्यू का। सेकेंड पार्ट क्या है, आपने क्या फाइंड करना है, क्यू माइनस वन ओवर क्यू लिखवाएं वैल्यू, क्यू माइनस वन ओवर क्यू इक्वल टू क्यू की वैल्यू अंडर रूट फाइव प्लस टू, माइनस है तो साइन चेंज होंगे, मैंने ब्रैकेट डाल दिया, वन ओवर क्यू की वैल्यू कितनी है जी, साइन चेंज करें, पहली तो वैसे लिख देंगे, माइनस आगे माइनस माइनस प्लस जी, अंडर रूट फाइव क्रॉस है, अपोजिट साइन है, टू प्लस टू फोर, ये किसकी वैल्यू आ गई, क्यू माइनस वन ओवर क्यू की वैल्यू भी आ गई है, प्लस की आ गई है। थर्ड पार्ट में आपने क्या फाइंड करना है, क्यू स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू स्क्वायर, अब क्यू प्लस वन ओवर क्यू का स्क्वायर लिख दें या क्यू माइनस वन ओवर क्यू का स्क्वायर, जिसका अप्लाई कर दें रिजल्ट वही आ जाएगा, पिछला मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर सिक्स, वो भी इसी के मुताबिक था, पी माइनस वन ओवर पी प्लस, ये सारे फाइंड करने थे, वहाँ मैंने प्लस का स्क्वायर अप्लाई करके रिजल्ट निकाल लिया था थर्ड पार्ट में, आप माइनस का अप्लाई करें रिजल्ट एक जैसे आएंगे, क्यू माइनस वन ओवर क्यू होल का स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर खुलवा दें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू फर्स्ट टर्म इन टू सेकेंड टर्म जी, आप क्यू माइनस वन ओवर क्यू की वैल्यू कितनी है, फोर है, फोर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू का स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू का स्क्वायर माइनस टू, ये हो गया क्रॉस, माइनस दरमियान में था माइनस टू, प्लस होगा तो प्लस टू लिख देना है, फोर का स्क्वायर आ गया सिक्सटीन, इधर है माइनस टू इस साइड पर प्लस टू, वैल्यू आपने निकालनी थी, कितनी वैल्यू आ गई इसकी, क्यू स्क्वायर प्लस वन ओवर क्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई एटीन। अब रह गया फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या करना है, क्यू स्क्वायर माइनस वन ओवर क्यू का स्क्वायर, माइनस वन ओवर क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, इसका एक ही रिलेशन है, एक बार माइनस एक बार, ये ना हो आप कहें भाई माइनस जो है दरमियान में, तो हम क्या करें, माइनस का स्क्वायर माइनस का अप्लाई किया, रिजल्ट तो प्लस का ही आ गया ना, अब वैल्यू लिखवा दें आप, क्यू माइनस वन ओवर क्यू है फोर के बराबर, यहाँ वैल्यू निकाली हुई है,
और क्यू प्लस की यहाँ निकाली हुई है जी लिखवाएं, फोर इंटू एस की वैल्यू है टू इंटू अंडर रूट फाइव, फोर टू जार एट इंटू फाइव अंडर रूट, ये वैल्यू आपने निकाली क्यू स्क्वायर माइनस वन ओवर क्यू स्क्वायर। क्यू दिया गया था, इनवर्स लिया है, उससे सिंप्लीफाई किया है, वन ओवर क्यू की वैल्यू आ गई, फिर क्यू प्लस वन ओवर क्यू माइनस, ये चारों पार्ट पूरे किए। अब क्वेश्चन नंबर एट फर्स्ट पार्ट, इनमें भी आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड करना है जी लिखवाएं। अब आप ए स्क्वायर प्लस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ओवर ए स्क्वायर प्लस टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू। अब कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड करना है, कॉन्जुगेट देखते हैं, डिनोमिनेटर ओवर वाली टर्म का लिखवाएं भाई जी, ए स्क्वायर प्लस टू दरमियान में माइनस है, तो आप कॉन्जुगेट इसका क्या बनेगा, स्क्वायर रूट के अंदर आपने साइन चेंज नहीं करने, सिर्फ यही साइन चेंज होगा जी। आगे ए स्क्वायर माइनस टू ओवर ए स्क्वायर प्लस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस टू, ये लिख दिया किया कि है कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड माइनस है, तो प्लस से डिवाइड और मल्टीप्लाइड कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, ऊपर दोनों बार प्लस लिखा हुआ है, ए प्लस बी एन टू ए प्लस बी होल का स्क्वायर लिखवा दें, प्लस टू प्लस ए स्क्वायर माइनस टू होल का स्क्वायर लिख दिया, दोनों बार प्लस था, ओवर में एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिलेशन अप्लाई करा दें आप, ए स्क्वायर प्लस टू इसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस टू इसका स्क्वायर, ओवर में अलहदा अलहदा स्क्वायर अप्लाई कर दिए, ऊपर होल का स्क्वायर अप्लाई कर दिए। अब स्क्वायर खुलवाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो लिखवाएं प्लस टू इन टू फर्स्ट टर्म ए स्क्वायर प्लस टू और सेकेंड टर्म ए स्क्वायर माइनस टू, ओवर में क्या है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस, स्क्वायर सिर्फ बैर वाला क्रॉस होगा ये, वैसे ए स्क्वायर प्लस टू माइनस ए स्क्वायर माइनस टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्रॉस हो गए, बाकी वैसे लिख दिए, ये ब्रैकेट में नहीं इसी वजह से लिखे हैं, माइनस है साइन चेंज होने हैं। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट क्रॉस लिखवाएं, ए स्क्वायर प्लस टू प्लस है तो डायरेक्ट ही लिखवा दें, ए स्क्वायर माइनस टू प्लस टू इन टू, अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट में लिखे हुए, मल्टीप्लीकेशन में इकट्ठे एक ही स्क्वायर रूट में लिखवा दें आप, ए स्क्वायर प्लस टू इन टू ए स्क्वायर माइनस टू, ओवर क्या है सारे का ए स्क्वायर प्लस टू, साइन चेंज करा दें, ब्रैकेट हटा दें, ए स्क्वायर माइनस माइनस, यहाँ मैंने ब्रैकेट हटा दिया, साइन इन के चेंज कर दें। अब क्या करेंगे, इधर कौन सी टर्म क्रॉस है, माइनस टू प्लस टू ये क्रॉस हो गए, वन और वन टू ए स्क्वायर प्लस टू इन टू, अब इधर एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो फर्स्ट टर्म का अलहदा स्क्वायर सेकंड का अलहदा, दरमियान में माइनस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिलेशन अप्लाई करा दें, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर लिख दिए, और ओवर में क्या लिख दिए, कोई टर्म क्रॉस है तो क्रॉस करा दें, ये क्रॉस हो गई, टू और टू कितना बन गया फोर जी। अब क्या रिजल्ट आ गया, टू ए स्क्वायर प्लस टू इन टू स्क्वायर का स्क्वायर पावर फोर बन गई, ए फोर माइनस टू का स्क्वायर भी आ गया फोर, ओवर क्या है सारे का फोर। अब क्या करना है, दो कामा निकाल देना, यही स्टेप देख लें आप, दो कामा जो निकालेंगे क्रॉस करा दें, टू इन टू ए स्क्वायर प्लस सीधा लिखने तो वन लिख दें, एक ही पावर फोर माइनस फोर ओवर क्या है इसका फोर, अब क्रॉस करा दें, दो कामन यहाँ से भी आ गया यहाँ से भी आ गया जी, टू वन जार टू टू जार फोर, क्या रिजल्ट आ गया, ए स्क्वायर प्लस वन नहीं लिख रहा, एक ही पावर फोर माइनस फोर ओवर सा क्या बचा हुआ इसका टू, किया क्या हमने डिवाइड मल्टीप्लाइड किया है, किसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड किया है, आगे ऊपर दोनों बार प्लस है होल का स्क्वायर, ओवर में एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो हमने क्या करना है ओवर में अलहदा अलहदा स्क्वायर अप्लाई कर दिए,
आगे स्केयर रूट जब अप्लाई किए इन पर ये स्केयर स्केयर रूट बाहर वाली क्रॉस हो गए, या अंदर वाला स्केयर वैसे दरमियान में माइनस, हमने माइनस जब ब्रैकेट हटाई ये फिर माइनस में साइन चेंज कर दी। अलहदा अलहदा स्केयर रूट थी तो क्या किया, इकट्ठे एक ही स्केयर रूट में लिखने के बाद ए स्केयर माइनस बी स्केयर रिलेशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई किया। सेकेंड लास्ट स्टेप पर हमने क्या किया है, दो कामा निकाल लिए इनमें से, कामा निकाला है वो क्रॉस करने के बाद ये रिजल्ट है। अब रह गया इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट आप इसी तरह कर सकते हैं, कांजुगेट, इसे कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड अलहदा, इसे कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड अलहदा। मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ, इनका एलसीएम निकाल दें इकट्ठे जी, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इनटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नान कॉमन थे मैंने दोनों वैसे के वैसे लिख कर दिया, अभी से इसके साथ मल्टीप्लाई से इसके साथ लिखवाएं आप जी, वन इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू, ये लिखवाएं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसे इसके साथ और इसे इसके साथ, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने तो ये डायरेक्ट कर दिया, वो आपकी मर्जी, कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई, कांजुगेट क्या होगा दरमियान वाला साइन चेंज करना, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसी से डिवाइड मल्टीप्लाइड, और इसे क्या करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से आपने डिवाइड मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस लिखा हुआ दरमियान में माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाइड कर देना, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस, ये अंदर वाला साइन चेंज नहीं, सिर्फ यही साइन चेंज करेंगे, कांजुगेट से इस तरह डिवाइड मल्टीप्लाइड कर सकते हैं आप जी। आगे मैंने तो एलसीएम लिख दिया इसे इसके साथ और इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वन है चेंजिंग नहीं है, लिखवाओ ब्रैकेट हटा दें जी। अब इधर वन है चेंजिंग तो नहीं होगी, वन से मल्टीप्लाई, सिर्फ माइनस का साइन है, साइन चेंज करा दें, माइनस है माइनस माइनस, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किया क्या है स्क्वायर रूट के अंदर साइन चेंज हमने नहीं किया, सिर्फ यही साइन चेंज कर दी। ओवर में एक बार माइनस एक बार प्लस, तो पहले का अलहदा स्क्वायर दूसरी का अलहदा स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस सेकंड आर्म कौन सी है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दी जी। आगे माइनस ए प्लस ए क्रॉस हो गया, इसका कोएफिशिएंट भी वन, इसका भी कोएफिशिएंट वन, वन और वन टू में टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर तो ये बच गया। ओवर में लिखवाएं अब स्क्वायर स्क्वायर रूट ये क्रॉस हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर में ब्रैकेट हटा दें, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज कर दिया, कौन सी टर्म क्रॉस है, ए स्क्वायर क्रॉस है, टू में टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओवर क्या बचा हुआ है एक्स स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट है। करना क्या है, या तो कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड, मैंने तो एलसीएम निकाल दिया, कांजुगेट आपको कहे यही साइन, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड बी मल्टीप्लाइड, इधर क्या इसका कांजुगेट क्या बनेगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाइड, कांजुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाइड करने के बाद आगे वैसे आपने सिंप्लीफाई कर देना है, मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह एलसीएम निकाल लिया, सिंप्लीफाई करके ये रिजल्ट आ गया, ये चौथा चैप्टर एंड हो गया, नेक्स्ट लेक्चर बाद में।